जी हेलो दोस्तों मैं हूं कंवर सीमा और दोस्तों जिस तरह की आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साथ, तार साहब साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया माय सीमा थैंक यू सो मच तार साहब इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन हुआ है उसमें बिलावल भुटो जरदारी ने अब परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त दी है बड़ी मीटिंग की है फॉक्स न्यूज को भी इंटरव्यू दिया है लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो भारत के हेड uh, है उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है जी कि पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज जो है उनको वहां जो कन्वर्जन हो रही है वो बंद होनी चाहिए और अब और उधर से चाइना जो है उसने अमेरिका को कह दिया है कि भाई तुम कुछ पाकिस्तान के लिए करो जो फ्लड हिट जो एरिया है पाकिस्तान के लिए आप वाशिंगटन डीसी में आप बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के बारे में वाशिंगटन डीसी में ये पिछले एक हफ्ते में दस दिन में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आ, लोग बहुत शौक से देख रहे हैं बल्कि आज ही डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ़ एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात हुई है तो ये जो डेवलपमेंट है कि इंडिया का पाकिस्तान पे प्रेशर डालना कि जी पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज को वहां पे क्यों भड़ रही हैं और दूसरा उन्होंने अमेरिका पाक तालुकात के ऊपर भी कहा कि इस का किसी मुल्क को भी कोई फायदा न हो तो आप कैसे देखते हैं सर इसको चीमा मेरी इसके बारे में असेसमेंट जो असेसमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है वो इस तरीके से कि मैं यहां पे दो चीजें देख रहा हूं बिलावल भुट्टो साहब भी आज वाशिंगटन डीसी में है और जय शंकर साहब भी वाशिंगटन डीसी में मैं दोनों की एक्टिविटीज को देख रहा हूं कि दोनों किन को मिल रहे हैं क्या हो रहा है तो एप्पल टू ऑरेंजेस है आप उनको नहीं कर सकते बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते मैं बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि फ्यूचर में Uh, हमारा कंपैरिजन भारत के साथ आप करना छोड़ेंगे तो आप तरक्की कर सकेंगे वरना पॉसिबल नहीं है आपको आप कह रहे हैं कि आपको अमेरिका ने ये कहा चाइना ने ये कहा तो आप तो एक और चीज बड़ी बात भूल गए हैं कि आपको तो आज अफगानियों ने कहा कि भी हमारी हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो आज आपको जो उनके फॉरन डिप्टी फॉरन मिनिस्टर है शेर मोहम्मद साहब उन्होंने कहा है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा मांगना छोड़ दो बल्कि हमारे पास प्रूफ मौजूद है को जो ड्रोन आके उड़ते हैं अफगानिस्तान से वो कहां से आते हैं और कितने मिलियंस उनसे कमाए जा रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपको इंडिया कह रहा है आपके तो जो लोग आपने इतना अरसा पाले हैं जिन लोगों की वजह से आपने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है आज तो वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं इस दर हकीकत ये आपकी बैड गवर्नेंस है आपकी फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट का फुकतान है आपकी नॉन सीरियसनेस है आप लोग करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि अब वो आपका एक एक करके हर जो साथी है छोड़ता जा रहा है अब मैं जय शंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साहब के बनते ही नहीं है कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लाबी जो उनके पीछे है टोनी बिल्कन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे यह बताया बुलावल भट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है आप आज बात कर रहे हैं मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब इस वक्त आपका जो जय शंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का उन्होंने यूनाइटेड नेशन नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया इस वक्त जो मैथ जो मैथ जो भारत भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डीग्रेड करेंगे

States, those are in, in वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते वो कहते हैं पाकिस्तान का नाम लेने से वो विल डाउन ग्रेड तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरिजिन इस वक्त भुटो हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है वो उनको ऑपरेट कर रहा है वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है आ, और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि आपके साथ आपकी लाबी डज नॉट एग्जिस्ट लाबी अगर अमेरिका में काम कर रही है किसी पाकिस्तान की पाकिस्तानी की तो वो सिर्फ इमरान खान का पच्चीस हजार डॉलर महीने की लाबी काम कर रही है आपकी गवर्नमेंट की कोई लाबी नहीं है बिलावल भुट्टो साहब को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो ऑपरेट कर रहा है पता नहीं वो उसका क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो जो चार पांच टूटी फूटी मुलाकातें करा रहा है वो पाकिस्तानी करवा रहा है वरना आपका कोई भी इस वक्त नहीं है या फिर बिलावल भुट्टो की वालदा के रिलेशनशिप है यहाँ पे पुराने और मैं मैंने नोट किया है कि कराची के अंदर दे कीप वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द और वो रिलेशनशिप वो पार्टी ऑलवेज करती है और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपने आप वो पाकिस्तान के एजेंडे पर नहीं है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के एजेंडे पर है इस वक्त अमेरिका में मेरा जो एतराज इस वक्त जो दो लोगों पे है मुझे ये बताएं एक कंट्री कंट्री जो बिल्कुल तबाह हो चुका हो जो अभी बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू हुआ हो फाइनेंशियली उस मुलक के दो लोगों को आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे कोई जस्टिफाई कर सकता है इसको एक आदमी भी ये बात कर सकता था दर हकीकत ये बात स्काई पे भी हो सकती थी यूनाइटेड नेशन में जो मुल्क तबाह हो चुका है जिसकी तबाहकारियां अभी दस साल अभी अगले चलेंगी वहां पे जहां का डॉलर अभी कभी ढाई सौ का होता है कभी तीन सौ की तरफ जाता है उस मुल्क के ये जो ये, ये, ये रूलिंग लीड ये इनके तल्ले यहाँ पे ये ये जायज थे यहाँ पे फोटो आप अपने ड्राइंग रूमों में लगाने के लिए ये सूट करता है उनको लेकिन ये कि हकीकत ये है कि जिस अक्रब से या जिस आप एक, एक इंसानी अलमिया से गुजर रहे हैं आप खुद ही उसको नहीं देखना चाहते पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करना चाहते पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही नहीं बचाना चाहते तो दुनिया क्या करेगी आपके साथ दुनिया क्या करेगी मेरा जो खदशात है जो मैं जो बताना चाह रहा था आपको मैं अर्लियर भी कह रहा था सलामती काउंसिल जो है इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल उसकी अगले दो साल के लिए जो प्रेजिडेंटशिप है या लीडरशिप वो भी भारत को मिल रही है जी ट्वेंटी की लीडरशिप भी भारत में जा रही है अगले अगले साल के लिए आपकी जो टूटी फूटी फॉरन पॉलिसी है उन्होंने उसका जनाजा निकाल देना पकड़ लिया और आप जो है आपकी रूलिंग अलीट है जो डुअल नेशनल है वो उन, उनके सेहत पर कोई असर नहीं आप कहा खड़े आप मेरी आज की नहीं मैं आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपकी पोजीशन क्या है आज आपके प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है और आपकी लीक्स के लीक्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताएं आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में आंदा आके मेरे साथ बात बैठ के बात कौन करेगा किस कॉन्फिडेंस किस कॉन्फिडेंस के साथ करेगा आप एक कमरा सिक्योर नहीं कर सकते तो आप पूरे पाकिस्तान को सिक्योर किस तरह करेंगे आप और यह भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं आप दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आप दुनिया किस तरह किस तरीके से आपसे बात करेगी आपका क्या प्रुण? मुझे आप एक, आप ये कंपेयर कर रहे हैं बलावल भुट्टो के जयशंकर के साथ बलावल भुट्टो की जो हुकूमत है पच्चीस मिल रेडियस के अंदर है फेडरल गवर्नमेंट है ना उनके मैं बाप की जो सल्तनत है सिंध में बात नहीं करूंगा बुलावल भट्टो इज अ फेडरल मिनिस्टर रेडियस विद मिनिस्टर्स और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है बिलावल भूटो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा से <laughs> जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई आपके प्राइम मिनिस्टर को क्या रिस्पेक्ट मिली होगी हाँ फोटो आप मुझे कई दोस्तों ने पूछा है। और मैं क्या मेरे तो आठ पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मेरी तस्वीरें आप क्या समझते मेरे उनके साथ वन टू वन रिलेशनशिप है

इसके बारे में कोई मुझे ये बताया आपके डीजीआई ने रिजाइन दिया है आपके डीजी आई एस ने रिजाइन दिया है किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है क्यों करेंगे भाई वो क्यों करेंगे जरूरत नहीं 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 है नहीं है नहीं है बिल्कुल सही है अच्छा तारड़ साहब ये बताएं आप जो बातें कर रहे हैं लेकिन तारट साहब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एंटनी ब्लिंकन के साथ खड़ा होकर ये कहा डिप्लोमेसी इज बैक हम तो वापस मैदान में अखाड़े में, में आ गए हैं और हम जो है वो दोबारा अमरीका में रेलेवेंट हो गए मैं मैं अफगानिस्तान तो आपके तो आप हाथों से निकल गया वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे आप पकौड़ों की तजारत करेंगे उनके साथ क्या देंगे वट इमरान खान वट इज शबाज श्रीफ वट बिलावल भूटो हैजर टू दर्ल्ड टोनी बिल्कुल क्या ऑफर करेंगे मौलवी अफगानिस्तान वालों ने भी कहना खुदा ना जो साढ़े नाते पैसे ना लो हमें पता है जो ड्रोन उड़ाते हो हमारे ऊपर कितने पैसे कितने मिलियंस ले जो वो शेर मोहम्मद ने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंटर डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ है कि तुम एक एक ड्रोन के कितने पैसे लेके उड़ा रहे तो उसमें चीबा साहब दर हकीकत यह है इन्हें मैं जावेद चौधरी साहब की अगेन अगेन बात करता रहता हूं उन्होंने अगले दिन कहा है कि मैं नवाज शरीफ को भी चार घंटे मिला हूं मैं सारी एस्टेब्लिशमेंट को भी मिला हूं मैं हर स्टेक होल्डर को मिला हूं हर एक को पता है कि मसला क्या है लेकिन हल कोई नहीं हर एक को पता है पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है लेकिन अफसोस के अफसोस के साथ है किसी के पास कोई रोड मैप किसी के पास नहीं है क्र, 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 उसकी वजह क्यों है मैं बताता हूं ना चीमा साहब आपके बच्चे लंदन में परमानेंट बैठे हो आप पाकिस्तान को ठीक करना पसंद करेंगे आप आप इस वक्त पाकिस्तान का द मोस्ट पॉपुलर जो लीडर है उसके दो बच्चे जवान हैं वो लंदन में बैठे हैं बच्ची जवान है शादी के काबल है वो वो उसने कभी बात की वो उनको दुनिया को कहता है मैं जहाज सिखा रहा हूं हर पाकिस्तान हर शहर में अपने बच्चों को लागे क्यों नहीं सिखाता हकीकत यह है कि आपने पचहत्तर साल अपनी मादरे मिलत के कपड़े फाड़े हैं दिस इज योर बिजनेस नाउ जब जब कारोबार हो करप्शन किरदार शराफत को बेचना धजियां उड़ानी आपको इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन है ना आप उसको समझ सके तरीके से ना आपको वतन की को पता है ना आपको किरदार का पता है अब अब आप अब, अब पस्तियां पस्तियों को टच कर रहे हैं किरदार की अभी अब इस वक्त मैं दुख के साथ ये कहूंगा आज कायदे आजम जिंदा होता है अकबाल जिंदा होता तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पे भी रोता वो और कायदे आजम रोता पाकिस्तान पे बैठ के, के आज इस मुल्क के साथ क्या हो आज जो महाजर, जो, जो आज महाजर लुट के आए थे जलंधर से हारपुर से उनको ये पता होता ये पाकिस्तान है तो शायद आते ही ना वो शायद आते ही दुख साहब साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है फॉरन uh, ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान और अमरीका के तलुकात में जो वो है वो कमेंट्स करना जो है वो बंद करे uh, हमारे जिस तरह के भी ताल्लुका हैं इंडिया को इससे क्या लेना देना uh, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फॉरन ऑफिस ये समझता है कि अगर इंडिया अमेरिका पे प्रेशर डालेगा uh, तो शायद अमेरिका कोई बात सुने एक बात दूसरी बात ये भी तारण साहब कही जा रही है कि जो पाकिस्तान को एफ प्रोग्राम दिया गया है बेसिकली ये इंडिया को अलर्ट किया गया है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो और रशिया से इसी तरह फेवर लेते रहोगे तो हम 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 पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस और पाकिस्तान से अपना कोऑपरेशन बढ़ा देंगे तो 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 दोनों कैसे मैंने, हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में ये इसको पहले डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल छप चुका है एफ सिक्सटीन को अपग्रेड सिर्फ इसलिए किया गया था कि भारत क्योंकि यूक्रेन में अमरीका की सपोर्ट नहीं कर रहा था और जो भारत था वो मुसलसल तेल ले रहा है रशिया से उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा आज माफिया मांगी है टोनी बिल्कन ने आपके एफ सिक्सटीन को अपग्रेड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया गया इन्होंने रिटर्न लिख के उनको बताया है

अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं आपको फार्मास्यूटिकल में मनापली इंडिया की आईटी में मनापली उनकी और आगे क्या हो रहा है कि चाइना की दुश्मनी में इस वक्त क्योंकि यहां आके बैठ गए अगले उनके नर्व सिस्टम पे छा रहे हैं अब मैं बताना चाहता हूं नर्व सिस्टम में किसा छा रहे हैं हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ इंडियन डिसेंट का है वो सारा कुछ चाइना से निकाल के भारत में लेके जा रहे हैं आज मैं रिसेंट बताना चाहता हूं आपको एक और खबर कि एक बहुत बड़ा मंदिर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्ट हो रहा है जी हाँ। अच्छा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो भारत के साथ ख्वाहिश रखता है ट्रेड की और अपने ट्रेड रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की आ, और मैं सबसे बड़ी बात आपको आज तक जब भी बुरे हालात हुए हैं रेस्क्यू तो नहीं किया उन्होंने पैसे दिए कि लंदन में कुछ और ले जाओ सऊदीज ने दिए हैं आपको डेफन पे, पेमेंट पर तेल देते रहे उनका झुकाव भी उधर है आपके अफगानियों का झुकाव भी उधर है क्योंकि उसकी वजह यह है कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ बिजनेस पीपल उनकी इकॉनमी देखें, देखें और आपकी इकॉनमी देखें आप आप ये मुझे देखें सैलाब जदगान से आपको बू आती है वो मर रहे हैं डेंगू के साथ वो वाटर बॉर्न डिजीज के साथ मर रहे हैं आपको स्मेल आती है उनसे अर्तगुल गाजी वाले सारे आगे आपके सारे जो नाचने वाली पार्टियां वो इधर कॉन्सर्ट करके डॉलर बना रहे हैं मेरे आपके पास जवाब है कि ये दो लोग क्यों आए थे यूनाइटेड नेशन में एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर एंड द मेरे ख्याल किसी मुल्क का नहीं आया सिर्फ आपकी आए हैं क्योंकि जहाज खाली आ रहे सारे भर के ला चलो फिर कह रहे पैंठ हजार डॉर शबाज शरीफ ने पलियों दिता और यार इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पैंठ हजार डॉलर यार इट्स अ मैटर के यू नीडिड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान भी जाके निकलते ना बनी गला चो निकल हो तो ना वजीर आजम हाउस चो निकल हो ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ہمارا ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕਾ ਬਧਰ ਵਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਛਤਰੀ ਆਥਲਟ ਫੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲੀਆਂ ਅਣਕਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਹਰ ਮੂਝੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਸਰਬ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥੈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਬਟਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਯਾਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2-2000 ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ 6-6000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕੋ ਕੋ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਤਾ ਯਾਰ ਕੋ ਫਕੀਰੋ ਵਾਲਾ ਹੁਲੀਏ ਬਣਾ ਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋ ਚਿਹਰੇ ਫਕੀਰੋ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਮੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ जो मैं देख रहा हूं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं जख्मी हूं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको तो उनकी तो जिहाद की तरबियत हो रही है ना मैं यहां पे बैठ के भारत को भी और बांग्लादेश को भी देख रहा हूं आज मैं नेपाल के बारे में पढ़ रहा था कि अगली वॉर इन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड इंडिया इज टेकिंग प्लेस इन नेपाल हाउ अग्रेसिव दे आर अमेरिका हैज गिवेन फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर टू नेपाल चाइना इज यू नो बीन रिसेंटली वो गए कि दुनिया का बैलेंस क्या है आपको दुनिया श्रीलंका आप के बाद देखना देख रही है इस वक्त यू यू आर आर गेटिंग ऑफ ऑफ देखिए नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग नॉट एट ऑल बिलावल अपने आप को प्रमोट कर रहा है मिया साहब अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं है। पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है इमरान खान अपने आप अपने आप को प्रमोट कर रहा है पच्चीस हजार डॉलर महीने का देख पाकिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे बिल्कुल सही है तो आ, 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 अपना तार ये बताएं कि ये जो बिलावल ने थिंक में मुलाकातें की अपने लेक्चर दिए डिस्कशन की अपना मौकफ रखने की कोशिश की आप तो कह रहे हैं कि ये एक अपनी वो प्राइम मिनिस्टर की सीट ठीक हाँ, करने आए हैं और हाँ, उसकी हाँ, हाँ, मजबूत हाँ, करने आए हैं लेकिन ये जो जिस जगह भी आ, मैंने बिलावल को आज वुड्रो विल्सन में वो उसने आज बात की है कल सुनने में आ रहा है वो यूएसआईपी में उसने बात करनी है उसके अलावा भी उसकी एंगेजमेंट पाकिस्तान एक बात बिलावल भुट्टो ने जरदारी क्लाइमेट की, की, जस्टिस हमें पैसे दो क्योंकि ये फ्लड्स आ गए हैं आपने इतनी इंडस्ट्री चलाई है और हम इसको बर्दाश्त करें ये मुमकिन नहीं है हमें ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर ना दो हमें पैसे दो ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत कुछ इंडिया को बहुत सारा पैसा ग्रीन एनर्जी में ग्रीन इनिशिएटिव लेने में मिल चुका है तार ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनिशिएटिव लिया है कि जी हमें पैसा दिया जाए आप क्या समझते हैं क्या उठे और जरा मालदीव है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आप समझते हैं दुनिया पाकिस्तान को पैसा देगी या ये जो हमने जो शोर डाला या समझते हैं कि हमारी पिछली क्रेडिबिलिटी इस तरह की है कि शायद वो कहेंगे पैसे कोई ना इश्यू बना लेरो उसकी वजह मैंने शायद मैं, इस पर अपने रिसर्च बताना चाहता हूं कि पैसा दुनिया क्यों नहीं देगी पैसा सिर्फ इस वक्त मगरबी मुल्कों के पास सरप्लस पैसा है दूसरी दुनिया के पास तो पैसा मौजूद ही नहीं है अब मगरबी मुल्कों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यूक्रेन है इस वक्त नजर आ रहा है दूसरा इस वक्त मगरबी दुनिया का प्रॉब्लम है रशिया ने जो पाइपलाइन बंद की है वो है उसका दूसरा प्रॉब्लम एनर्जी तीसरा प्रॉब्लम दुनिया का ये है कि फूड का इन्फ्लेशन है महंगी होगी फूड फूड सेफ्टी इशू है दुनिया का इस वक्त वेस्टर्न दुनिया का आखिरी जो इशू है वो सप्लाई चेन का इशू है जो चाइना से सामान बन के आता था वो सप्लाई चेन टूटा पड़ा है आपका जो है वो सबसे नीचे है इनकी प्रायोरिटी नहीं है और उसको जब वो देखते हैं तो आपकी करप्शन की स्टोरियां वो सलाब से ज्यादा लंबी है कि आपने कोविड का पैसा भी आपने खाया लूटा है उसको भी आपने उसके बाद सलाब सैलाबान उसके पहले जलसले के पैसे भी आपने खाए और मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि मुझे ये बताएं कि मैं ऐसे बल्कि पाकिस्तानी डैश पर पाकिस्तान पैसे क्यों भेजूं क्योंकि कराची से लाहौर से जब ट्रक जाते हैं वो 20-20 मील पहले ही लूटे जाते हैं वो लूट जाते हैं वो मैं अपना हलाल का पैसा कमाया हुआ एक वो कहते हैं दी कमाई नाखनों की कमाई यहां से किस तरह भेजू जब मुझे पता है यहां बैठे हुए कि वो सलाब जदगान तक नहीं पहुंचेगी तो आपका क्या ख्याल है કે જો આપકે એમ્બેસેડર वहां बैठे इस्लामाबाद મે ઓ અખા તો અંધે ને ઓ કના તો ડોરે ને ઓ ઓ બેવકૂફ ને ઓ જેડે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ના હાર્શે ચલા રહે ને અગો ઉનકો નહી pata કે આપ પૈસે કિસ ક્યાં કરતે હે પૈસો કે સાથ આપકે જો બિલાવલ ભુટો સાબ જેસ પાર્ટી કો રિપ્રેઝન્ટ કરતે હે ઉનકે એમએનએ આપ જા રહે સલાબઝદગાર મે લોગ થપડો સે મારતે હે ઉનકો इनकी इनकी पार्टी के सबसे बड़े एक लीडर ने बोर्ड पे कहा था ये वीनस है ये वीनस है तो मुझे ये बताएं कि दुनिया क्यों दे आपको पैसे जब आप खुद सीरियस नहीं है आप खुद सीरियस जब आपकी अपनी शक्लों पे कोई फिक्र नहीं है तो क्यों दे पैसे आपको तो जस्टिफाई भी करें ना क्यों करें अफगानिस्तान को दे रहे हैं पैसे जो आपको दें अगर अफगानिस्तान को नहीं दे रहे तो आपको भी नहीं देंगे गारंटीड क्योंकि बोथ ऑफ यू आर करप्ट पीपल अफगानी भी करप्ट है आप भी करप्ट है और दूसरा इससे आप सबक सीखें आप लेकिन वो मेरे ख्याल में सीखेंगे नहीं क्योंकि अब पचहत्तर साल का मजाक है ना एक दिन का मजाक नहीं है भूटो साहब अयूब खां साहब के बच्चे थे नवाज शरीफ साहब जयाल हक के बच्चे थे ये इस्लाम साहब के बच्चे हैं जो उस वक्त बैठे हैं तो ये मैं तो इनको नहीं कहूंगा बच्चों को क्या बाप को ब्लेम किया जाता है ना तरबियत कैसी की है आपने आपका बच्चा जो है बहुत बिगड़ चुका है लोगों की चीजें उठा के तो लंदन भाग जाता है तो मैं ब्लेम उनको करूंगा ये अपने बच्चों को संभालो यार ये बच्चों को संभालो अब ये मुल्क को जलाना चाहते हैं ये आखिरी स्टेज पे आ गए हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द एक हाथ में पेट्रोल और माचिस लेके फिर रहे हैं इनको बचाओ पाक अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं ये तो लंदन भाग जाएगा आप कहा जाओगे आप कहाँ जाओगे एक मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर जो इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और वहां पे जो फौज के खिलाफ नारेबाजी करवाई और जो वाइस चांसलर है उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान है मेरा लीडर है गवर्नमेंट कॉलेज की तारीख तो बड़ी पुरानी है बल्कि मैं तो देख रहा हूँ अब तो लामा इकबाल ने भी वहाँ पे पढ़ाई की हुई है घोरे ने बनाया पाकिस्तान की सारी एलीट ही तार साहब वहां की पड़ी हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में फौज को गालियां निकालना और इस्ट के खिलाफ बातें करना वाम को आपस में लड़ाना ये इमरान खान ने जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकरीर करके किया है आप इसको कैसे देखते हैं ये आइंदा आने वाली नस्लों और सुना है कि वहां पर जो तकरीब हो रही थी जिस फंक्शन में बुलाया गया था वो आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले में थी जिधर आई टी की तो बात कोई ना हुई और सारी की सारी बात जो है वो स्टैब्लिशमेंट uh, फौज और न्यूट्रल्स uh, के ऊपर घूमती रही तो आपने ये जो यूथ की जहन साजी इमरान खान कर रहे हैं कि फौज के खिलाफ हो जाओ ये आप क्या समझते हैं ये हमारे लिए और फिर अमेरिका के खिलाफ भी हो जाओ तो ये मजीद अपनी यूथ को कंफ्यूज करना नहीं है चीमा इलामा बाल बेचारे आज अपनी कबर में रो रहे होंगे बैठे पास से पास पढ़, से पढ़ते होंगे उसकी वजह यह है असगर जैदी साहब आज पाकिस्तान में यह डिबेट हो रही है आज लोगों ने कुछ ने कहा मिनिस्टरों ने कि सियासतदानों को जाके बोलना चाहिए मैं अग्री कर हूं लेकिन वो सियासतदानों को देखना चाहिए कि वहां क्या बोल रहे हैं वहां उस इंस्टीट्यूशन में जाने से पहले बाहर क्या बोल रहे हैं ये जलसा नासर बेग नासर बाग में क्यों नहीं हुआ बाहर ये वहां पर मनारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका और उसके बाद जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने जाके क्वेश्चन किया है कि मेरे साइफर के जरिए किनों हुकूमत बदलवाई नीचे से नारे लगे न्यूट्रल उन्होंने कहा जी यू आर साइंस आप पास हो गए आज मेरी नजर में मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ब्योर्क्रे, के बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े आज मुझे अफसोस हो रहा लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं होगा मेरे ख्याल में आज मैंने उन्होंने माइंड अपना बना दिया है कि आयदार फ्यूचर में वहां से लौंडे लपाड़े पैदा होंगे जो, जो जिस तरह के लोग जिस तरह लंदन में जिन्होंने मरियम औरंगजेब को गालियां निकाल लिया अब गवर्नमेंट कॉलेज वही लौंडे लपाड़े पैदा करेगा दिस इज योर फ्यूचर दिस इज हाउ आई सी इट क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरी नजर में एक रिस्पेक्ट थी कि वहां पे लोग इंटेलेक्चुअल पढ़ते हैं स्कॉलरली होते हैं मिडिल क्लास घरों से मेरिट बेस पे वहां पे आते हैं और दे बिहेव डिफरेंटली जो मेरा पीटीआई के अगर देख लें अगर इस वक्त तारीख इंसाफ के अंदर अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं सारे जो जाप कुछ नहीं करते सारी रात ट्वीट पे होते हैं दिन दिन को सोते हैं जिस तरह के वो साहब का जिसने अगले किया इस तरह के किरदार मौजूद है अब मैं उसके साथ क्यों अटैच कर रहा हूं सऊदी अरेबिया से लेकर लंदन लंदन से लेकर न्यूयॉर्क मैं अर्ज करना चाहूंगा इन्होंने मकबरा रसूल होलियस्ट प्लेस इन इस्लामिक वर्ल्ड इन्होंने एक साजिश के जरिए मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्पेशली फ्लाई करके इंग्लैंड से गए थे वहां हंगामा करने इन्होंने हंगामा किया उन लोगों को दस दस साल की सजा हो चुकी उसके बाद जो इन्होंने लंदन में किया है अब मैं बताना चाहूंगा एक तो उनके करेक्टर सर्टिफिकेट इन्होंने बंद नून लीग वालों ने उनके कैंसिल कर दिए उनके न, 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 उनके जो नाइकाप है वो कैंसिल किए जा रहे हैं और आज मैं ला का स्टूडेंट होने के लिए बताना चाहूंगा अगर मरियम औरंगजेब वहां पर अप्लाई अच्छा मेरे दोस्त जो न्यूयॉर्क के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर आप पाए हैं तो उनके बाहर जो हमारे मेरे बच्चे जो रहे हैं लौंडे लपाड़े उन्होंने यहां भी हंगामा किया तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आगे ये प्रोड्यूस करेगी ये लीडर प्रोड्यूस नहीं करेगी ये आगे इस तरह के लोग पैदा करेगी जिनका ना मुस्तकबिल है ना जिनका आगे कोई जिनके बारे में नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा मैं समझता हूं कि असगर जैदी साहब जो है मेरे ख्याल में उनका इरादा या तो एमपीएल का इलेक्शन लड़ने का फ्यूचर में वरना इतनी बड़ी मिस्टेक ना करते एज ए टीचर ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टीचर हमेशा मैं बताना चाहूंगा टीचर का काम होता है न्यूट्रल होना सियासत को प्रमोट करना एक पार्टी को प्रमोट करना उसका काम नहीं था अच्छा हाँ ठीक है सियासत का उनको लेक्चर देना था तो साथ नून लीग को भी बुलाते साथ पीपल पार्टी के लीडर भी बुला लेते और दूसरा एक मैं सबसे बड़ा चैलेंज मैं जैती की असगर जैदी साहब ने अगर वहां पे परवेज लाई को बुलाते तो मैं एग्री कर लेता एज ए चीफ मिनिस्टर आए गवर्नर को बुलाया जाता तो एज ए गवर्नर जिस बंदे को बुलाया गया उसके पास कोई भी टाइटल नहीं उसके पास कोई गवर्नमेंट की कोई टाइटल नहीं है कि वहां उसका हक बनता जाना हमेशा न्यूट्रल होते हैं जिस तरह जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है कि राइट और लेफ्ट दो दिखाएं और लोगों पर छोड़ा जाए कि वो अपनी ओपिनियन बिल्ड करें बजाय ओपिनियन इन्फोर्स करें लोगों पर और दूसरा एक ऐसे आदमी को बुलाए और उन पे, जब उन्होंने ये सवाल किया था एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नारे लगवा रहे थे असगर जैदी साहब अगर अच्छे टीचर होते तो उठ के खड़े हो जाते कहते जी खान साहब नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे सियासी बहस नहीं करनी इनके इनकी तामीरी इनको तामीरी चीजें बताएं आप इनको